या डार्क ज्यादा लगा? ये पेंटेड है, मतलब ये टोयोटा ने करा है, बाहर से कुछ नहीं कराया, ये ओरिजिनल कलर है। और आज तक सेट नहीं कर पाए इसको, ये आज तक सेट नहीं हो पाया। देखो भाई 13.7 की एवरेज ले है भाई, वर्टा 7 ही निकल रही है। लॉक क्लस्टर आता है इसका, तो ठीक है 3, 2, 1 मैंने बंद ही नहीं करी, चलती गई। उसके बाद भी भाई इतना मजा आ रहा था इसमें, कोई इसमें ये नहीं कि हीट हो रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ी थक गई। तो ऐसा कुछ इंटीरियर भाई वो पेपर है जिसमें उन्होंने चीटिंग कराई थी। और स्टेयरिंग भी हाइड्रोलिक आता है इसमें, तो भाई खड़ी गाड़ी में घुमाना ना हर किसी की बस की बात नहीं है, तो हमारे कब्जे मजबूत है जो हम घुमा लेते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं अरुण कानिया। तो जैसे जान सभी को, तो गाइस फ्रेम में आपको दिख रही होगी टोयोटा इनोवा। अब इनोवा का आप नंबर भी देख लो, 2446, तो भाई काफ़ी फेमस इनोवा है, और किन की इनोवा है उनको बुलाते हैं फ्रेम में। क्या है भाई? बढ़िया जी, आओ जी, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ हो इतने दिन से। तो भाई आज भाई की गाड़ी का ओनरशिप लेंगे, भाई ने चला ली है 80,000 वाली सर्विस भी करा ली है, तो भाई से एक्सपीरियंस पूछेंगे, सारी चीज़ पूछेंगे कि इनोवा का कैसे प्लान बना, क्यों इनोवा ही ली, और कैसा इनका टोयोटा के साथ एक्सपीरियंस रहा है इन 4 सालों में। तो भाई को बिठाते हैं गाड़ी में और हम भी बैठते हैं गाड़ी में, सबसे पहले अंदर चलते हैं। और लुक्स आपने देखी है, और टायर भी अपग्रेड करा लिए, 80 वाले लगवा लिए इसमें टायर। तो भाई से पूछते हैं 80 वाले का कैसे प्लान बना, और अपनी कैप्टन सीट वाला वेरिएंट है देख सकते हो आप। तो बैठते हैं अंदर, और ऐसा कुछ इंटीरियर है अपनी इनोवा का देख सकते हो। तो ऐसा है भाई, चीटिंग कराते रहते हैं। और सबसे पहले टोयोटा का मशहूर गियर बॉक्स, गियर लीवर, वो दिखाना चाहूँगा। तो देखो भाई कर दिए ऑन, एनालॉग क्लस्टर आता है इसका, तो ठीक है 3, 2, 1 तो ठीक है जी, आ गए हैं जी इनोवा में, अपनी मेन जो है गाड़ी घर की 2446, और देखो कितनी चल गई है ये देखो 82709, इतनी भारी झोटे से निकाल लेते 13.7 की। तो भाई कब ली गाड़ी, कैसे प्लान बना भाई? थोड़ा गाड़ी ली थी 12 अप्रैल 2019 को, 2019 में ली थी, नवरात्रे चल रहे थे। अब प्लान कैसे बना, तो वो ऐसे बना भाई, इससे पहले फॉर्च्यूनर थी हमने पास पेट्रोल में। अच्छा, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा। नहीं पता काफी लोगों को कि हमारे पास एक फॉर्च्यूनर भी थी पेट्रोल में, वो हमने नई नहीं ली थी, वो हमने सेकंड हैंड ली थी। वो जैसे मान लो रोहन भाई के पास स्कॉर्पियो है, रोहन भाई कह रहे हैं कि भाई मेरे को मतलब 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए US जाना है या दुबई जाना है, मतलब मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तो आप गाड़ी रख लो। तो मैंने रोहन भाई को पेमेंट कर दी, मैंने कहा ठीक है भाई, तो रोहन भाई से मैंने गाड़ी ले ली। वो ऐसे ली थी हमने 1.25 साल के लिए, 1.5 साल के लिए ही थी वो अपने पास, तो फॉर्च्यूनर पेट्रोल में थी वो। तो जब वो उनको पेमेंट हमने सारी कर दी थी, वो अंकल जब आए, वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे पापा के, जब वो आए वापसी तो उन्होंने ये भी बोला था कि अब मैं दूसरी लूँगा एंडेवर, उस टाइम पे एंडेवर भी चलती थी भाई 2019 में, तो उन्होंने ये बोला था मैं एंडेवर लूँगा, अनीश जी आप यही रख लो। तो फिर हमारे को भाई इतनी ना वो सूट नहीं कर रही थी, पेट्रोल में थी एक तो, ऊपर से भाई मैनुअल थी, चलो अच्छी बात है, ऊपर से ये था कि वो एवरेज नहीं देती थी भाई गाड़ी ना, बिल्कुल भी एवरेज नहीं देती थी वो। तो बस ये हो गया था हमारे लिए कि घर के बाहर एक फॉर्च्यूनर खड़ी है वो सही है, वरना वो एवरेज वगैरह कुछ नहीं देती थी। और मतलब ये था कि काफ़ी महंगी पड़ रही थी, आप लगा लो कि भाई इतनी भारी गाड़ी थी, इतनी बड़ी गाड़ी थी पेट्रोल में, उसकी एवरेज का अंदाज़ा लगाओ कितनी हो सकती है, 6-7 का। बिल्कुल सही बोला आपने, 6-7 की एवरेज देती थी भाई वो सिटी में, मतलब 7-7 जब दे देती थी, जब आप उसे बिल्कुल प्रेम से चला रहे हो हाईवे पे, वो अध मार के 2 फिगर में कभी उसकी एवरेज ही नहीं गई। 8-9 की उसकी हमेशा एवरेज रहती थी, हाईवे ले लो चाहे कुछ ले लो। अब इतनी गर्मी में बंदा बिना एसी के चलता नहीं है, एसी चला के रखते थे, तो बहुत महंगी पड़ रही थी वो हमको। तो हमने जिनसे ली थी उन्हीं को वापस दे दी थी, उन्होंने हमको वापस पैसे दे दिए थे, फिर हम ये टोयोटा से प्रेम तो हो ही गया था। पहली फॉर्च्यूनर आई थी हमारे घर में टोयोटा की गाड़ी, इससे पहले कभी टोयोटा रखी भी नहीं थी। उसके बाद जब टोयोटा देखी तो हमने कहा भाई बहुत ही बढ़िया, नहीं आती थी उस टाइम पे 40 की थी सिग्मा 4 की, मैं बात ना करूं तो 38-39 की थी उस टाइम पे। ये था कि यार काफ़ी महंगी पड़ रही है नई की बात करें तो, सेकंड हैंड भी काफ़ी देखी, फिर इनोवा जैसी बात फॉर्च्यूनर में भी नहीं है अगर आपको ट्रेवल करना है, अगर आपको कम्फर्ट चाहिए तो, फिर ये ली थी भाई। अच्छा, तो फिर ये आपने ये ली, तो भाई फिर इनोवा का आपका प्लान बन गया फॉर्च्यूनर के बाद, तो मतलब इनोवा ही सोची थी और कोई भी सोची थी? भाई यही सोची थी,
एक हेक्सा आती थी वो सोची थी, सफारी सोची थी, मतलब सेवन सीटर था, सेवन सीटर ही था क्योंकि बड़ी रख ली, पहली बड़ी गाड़ी थी इनोवा वो फॉर्चुनर हमारे घर में, तो ये था कि जने ज्यादा हैं तो गाड़ी बड़ी चाहिए ही चाहिए थी, जब फिर ये ली थी। अब इसमें भी काफी भाई ये सवाल करेंगे कि जब वो ली थी वो कितने की ली थी, तो वो जब हमने फॉर्चुनर ली थी तो मेरे हिसाब से जो अंकल थे उन्होंने मेरे हिसाब से वो 28, 29 या 30 की ली थी शायद, नई उन्होंने पेट्रोल ली थी, हमने वो ली थी 24 में उनसे, और हमने ये इनोवा ली थी 20 लाख रुपए की। तो इसमें भी जी वी जेड तीन वेरियंट आते हैं, वी वाला बजट था अपना अगर मैं उसकी बात करूँ तो वेरियंट्स की, तो वी का ये सोच के कि ज्यादा कुछ फर्क तो है नहीं, एक तो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं, प्रोजेक्टर आ जाते हैं, ये 3D आ जाती है जो बिल्कुल। ये है तो ये ऐसी चीजें हैं कि इनसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था, सेवन सीटर वो भी थी ये भी थी, तो ज्यादातर हमने वैल्यू फॉर मनी हमको ये जी वेरिएंट लगा। इसमें सब है भाई, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फीचर की कमी महसूस। अच्छा, 2019 के बाद इसका थोड़ा माइनर सा फेसलिफ्ट आया था वो, हाँ उसमें स्टेयरिंग पे कंट्रोल आ गए थे और ऑटोमेटिक में क्रूज कंट्रोल आ गया था और स्क्रीन आ गई थी, नहीं तो बेस वेरियंट पे नहीं आती थी। मतलब मेरा वही वेरियंट है जिसमें स्क्रीन आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब ऑटोमेटिक की बात कर ली, तो भाई ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली 2.8Z वाली फॉर्च्यूनर इंजन वाली? भाई वो इसलिए नहीं ली थी क्योंकि जब आपको ही पता है जब गाड़ी लेते हैं ना तो ये होता है कि यार इतनी तो चलनी नहीं है, क्या फायदा। घर में गाड़ी थी वो हुआ करती थी हमारे पास VDI स्विफ्ट व्हाइट कलर की, और एक वैगनार हुआ करती थी उस टाइम पे, होंडा सिटी भी थी हमारे पास, तो मतलब छोटी गाड़ियां थी, तो छोटी गाड़ियों का ये था कि यार एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इतनी चलेगी नहीं, कहाँ चलेगी, चलेगी तो हाईवे पे चलेगी, हाईवे पे तो ऑटोमेटिक मैनुअल बराबर है, तो इसलिए मैनुअल ले ली थी। आज बचता हुआ होता है कि भाई ऑटोमेटिक ले लेते तो सुखी रहते, बहुत क्लच भी हार्ड है, गियर शिफ्टिंग भी हार्ड है इसकी, वो जो चलाता है इनोवा जो जिसने रखी हुई है टोयोटा उसकी को पता है। भाई मैं दिखा देता हूँ आपको क्लच का, देखो फील तो नहीं करा पाऊंगा कैसा मेरे को कैसा लग रहा, पर भाई गियर शिफ्टिंग का ये देखो, गियर शिफ्टिंग जो है ना इसकी, भाई साहब अगर आपने ट्रैफिक में चला ली तो आप हाथ जोड़ दोगे, लेग मसल बन जाएंगे अभी लेफ्ट की मतलब जब वर्कआउट है ना इससे हो जाएगा। और स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक आता है इसमें, तो भाई खड़ी गाड़ी में घुमाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो हमारे कब्जे मजबूत है जो हम घुमा लेते हैं नहीं तो हो ना कोई कांगड़ी पहलवान सा, उससे चलेगी भी नहीं जाम में गाड़ी है। तो भाई और देखो मैनुअल लिया आपने तो पड़ी कितने की? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की। तो उसको लेने के बाद क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहा कि जैसे आप फॉर्च्यूनर के बाद उससे एक लोअर सेगमेंट की गाड़ी में बैठे? अब अगर मैं बात करूं मेरे को क्या फर्क लगा, तो बेसिकली थोड़ा तो देखो ऐसे इंटीरियर वाइज फर्क लग रहा था, हालांकि बहुत हाई फाई उसका भी इंटीरियर नहीं है, उसमें भी ऐसी स्क्रीन आती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें यहाँ पे वो आ जाते थे जहाँ पे पावर मोड इको मोड है ना, वहाँ पे उसके एसी के कंट्रोल्स थे, 4x2 थी उसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 3D था, ब्लू कलर का वो अच्छा सा, थोड़ी बैठने में ऊंची सी फील होती थी, इसके अलावा मेरे को कोई भी फर्क नहीं लगा था। और डीजल का मजा तो देखो, डीजल भाई डीजल का मजा, डीजल कहीं ना कहीं आपको फॉर्च्यूनर पेट्रोल ज्यादा, इनोवा डीजल में मजा आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ये जो इसका 350 का जो रश मिलता है ना टॉर्क रश, बड़ा गजब का है भाई, वो उसमें मेरे को नहीं कभी भी फील हुआ। तो भाई 143 हॉर्स पावर आती है इसमें, और जैसे अभी तो ये मैं इसको दिखाता हूँ, देखो दो मोड आ जाते हैं, एक इको का, एक पावर का, एक नॉर्मल का, तीन मोड हो गए। तो पावर मोड में जैसे लगाती देखो यार, पावर मोड आ गया, और अब देखना गाड़ी कैसे हिलेगी, ये देखो और ये देखो। तो भाई ये जो आवाज सुननी होती है ना लोगों को टोयोटा की, स्पेशली जो हिमांग जैसे लोग हैं टोयोटा लवर, हाँ। जो इसका PUV देखते रहते हैं, हाँ। तो भाई टोयोटा की सबसे फेमस गाड़ी पूरे इंडिया में ये 2005 में आई थी सबसे पहले, हाँ। अब इसकी जनरेशन चेंज हो गई है। तो भाई आपने जैसे कि 82,000 चला लिया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा 82,000 भाई? बहुत कैसा कंफर्ट रहा? कंफर्ट के मामले देखो सबको पता ही है, पर सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। भाई बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी टोयोटा खुद मानता है कि उनकी कोई भी नहीं है, फॉर्च्यूनर भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कैप्टन सीट ने इसमें 4 चांद लगा दिए और भी ज़्यादा कंफर्ट बना दिया इसको। और भाई दूसरी चीज़ जो है ना चलाने वाइज भी अगर मैं कहूँ तो मैं ज़्यादातर जैसे 82,000 चली 82, तो आप यूँ लगा लो कि ये 50-60,000 है ना सिर्फ हाईवे पे चली है, ये ट्रिप पे ही रहती है ज़्यादातर। आप यूँ लगा लो कि कभी इंदौर जा रही है, कभी मैं लद्दाख ले गया, कभी माउंट आबू ले गया, कभी कहीं ले गया, कभी कहीं, मतलब मैंने इस गाड़ी से इतने ट्रिप करें कि मैंने और मेरी घर में जितनी गाड़ियाँ मैंने उनसे भी इतने ट्रिप नहीं करे जितनी इससे करें। और हर बार भाई इसने, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 1,000-1,200 किलोमीटर चला दी गाड़ी तो मैं थक गया। इसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल है ना, ये बैठ पाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं
एडल्ट नहीं बैठ पाते ना, बड़े दो ही बैठ पाएंगे, उनके भी घुटने अड़ेंगे। तो मतलब अगर बच्चों को साथ ले जाओ तो 7 सीटर वरना 6 सीटर, तो ये 6 सीटर वरना, तो 8 सीटर पे नहीं गए आप? नहीं यार, वो फिर बिल्कुल ही टैक्सी लगती। और दूसरी बात ये कि प्राइवेट में नहीं है 8 सीटर, प्राइवेट में नहीं ले सकते। 2.8 ही ले पाओगे, अगर आपने 8 सीटर चाहिए तो आपको कमर्शियल लेनी पड़ेगी। अगर मेरे ख्याल से उसमें हर साल में, हर 3 साल में टैक्स भी भरना पड़ता कमर्शियल वाला। कमर्शियल वाला तो खैर अलग चीज हो गई, हमको तो लेनी प्राइवेट गाड़ी थी, तो वो उनको ही मिलती है। वो GX वेरिएंट एक अलग आता है सबसे बेस में, उसमें अलॉय वलॉय कुछ भी नहीं आता, इसमें तो फिर भी अलॉय है, उसमें नहीं आते कुछ भी। अच्छा, तो भाई इसके एसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एसी कैसा लगता है? अरे मजेदार, एसी बहुत बढ़िया है इसका। जैसे डीजल गाड़ी है, आपको पता है कि बातचीत है इन गाड़ियों में, इनोवा का एसी हमेशा से ही मशहूर रहा है। इसे मैंने नॉनस्टॉप चलाया था, मैं श्रीनगर था और मैं आनंद विहार गया था दिल्ली, तो नॉनस्टॉप चलाया था मैंने इस गाड़ी को। और भाई मतलब आप यूँ लगा लो, या तो होता है एक सेकंड के लिए बंद कर दी, 5-10 मिनट मैंने बंद ही नहीं करी, चलती गई, उसके बाद भी भाई इतना मजा आ रहा था इसमें। कोई इसमें ये नहीं कि हीट हो रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ी थक गई। एक इसकी थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज है कि इसका जो रेडिएटर का पंखा चलता है ना, वो बहुत आवाज करता है, काफी बड़ा है इसका, तो यूं लगता है कि यार पता नहीं क्या आवाज आ रही है, लेकिन वो कूल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और भाई देखो 2.4 लीटर का इंजन है इसका, तो सर्विस एक्सपीरियंस बताओ उसको, 2.4 लीटर इंजन की क्या सर्विस कॉस्ट आती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? और पहली सर्विस की 10,000 रुपये हुई थी? हाँ 10 पे हुई। तो तब तो शायद आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं था? नहीं था, जब मेरे को गाड़ी इतनी मिलती भी नहीं थी, जब पापा के पास ही थी। मैंने तो चलानी 20-30 पे शुरू करी है। अच्छा 20-30 पे, तो उसके बाद आपका सर्विस एक्सपीरियंस जो आप ले गए तो उसमें क्या रहा फिर? भाई देखो ये मिथ है कि टोयोटा सस्ता है, टोयोटा कहीं पे भी सस्ता नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंजन ऑयल डलवाता हूँ अपना, मतलब मैं बाहर से लेके जाता हूँ। मेरे घर पे 4 गाड़ियाँ हैं अभी, चौथी की जो लेटेस्ट ली हो तो 5,000 चली है, 10 की उसकी सर्विस आई नहीं, लेकिन उसकी भी कराऊंगा तो मैं बाहर से लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप बाहर से इंजन ऑयल लेके जाओ तो थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन आप वो भी हटा दो तो मैं लेटेस्ट बिल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। भाई क्या छुपाना, आप देखो भाई ये देखो कितने लिखे हो, 15,869 यानी 15869। तो भाई ये है 80,000 रुपये कॉस्टिंग, जो लोग कहते हैं ना कि 6-7,000 रुपये सर्विस हो जाती है टोयोटा की, तो इसमें आपका क्या क्या चेंज हो गया जो इतना बिल आ गया? भाई इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ। इसमें आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, डीजल फिल्टर नहीं बदला, और डिफरेंशियल में ऑयल टॉप अप हुआ था, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, मतलब जो बेसिक सर्विस थी ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। बेसिक सर्विस के उन्होंने इतने पैसे, पार्ट जो डाला वो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड डाला। अब ब्रेक पैड की आप 6500 बता रहे शायद कॉस्ट, हाँ इतनी थी शायद, तो 6500 हटा दो तो मोटा मोटा 10,000 का बिल तो फिर भी बनेगा ही बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे बता दो कि जो लोग इतना कहते हैं कि भाई ये महंगी है, मैंने वीडियो डाली, मैंने उसमें ये बोल दिया कि गाइज ये सर्विस महंगी पड़ती है, कोई नहीं कहता। तो मेरे को पता है कमेंट जैसे होते हैं, हर कंपनी के फैन किड होते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं नहीं ओटी जा रही बेच दे, ये कर दे वो कर दे। अरे भाई बेचनी होती तो 80,000 चलाता क्या? इससे पहले भी तो 8-7 सर्विस करा चुका था मैं मेजर वाली, मैं भाई 25,000 रुपये भी देकर आया हूँ टोयोटा को, 25,000 भी देके आया हूँ मैं, बताओ तो मेरे को 15 तो फिर भी ये लगेगा कि हाँ ठीक ही है, सस्ती ही है उसके हिसाब से। लेकिन ये है कि यार 15 में भी मेरे को तो 20 की पड़ गई थी, मैं तो उसका इंजन ऑयल भी लेके गए थे अलग, तो मेरे को महंगी पड़ती। तो भाई इसमें तो आपने 15,000 मतलब 16,000 का मान लो मोटा मोटा, तो 16,000 में तो आपने इंजन ऑयल भी अपना डलवाया, तो इसमें इंजन ऑयल भी नहीं था इस नहीं, इसमें इंजन ऑयल नहीं। तो भाई फिर तो बहुत कॉस्टली सर्विस है यार, पड़ती है बहुत कॉस्टली। अब मैंने इसमें से कुछ भी मतलब वो रोड एंड पोर्ट एंड एसी क्लीनिंग सब मैंने बकचोदी हटा, मतलब सब मैंने वो हटा दी थी जो आलतू फालतू की चीजें होती हैं, जो मेन चीजें थी। अब देखो तेल पानी तो बदला ही जाएगा ना भाई गाड़ी का, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, तो तेल पानी बदला जाएगा, उन सब की इन्होंने इतना जोड़ दिया। तो देख लो भाई, जो लोग सोचते हैं ना कि टोयोटा की सर्विस सस्ती है, सस्ती नहीं है। तो भाई देखो किसी जमाने में सस्ती हुआ करती जब पहले वाली जनरेशन आती थी, अब इन्फ्लेशन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, सब चीज पर टैक्स बढ़ गया है, तो हिसाब से सर्विस महंगी हो जाती हो गई भाई, हो करानी। अच्छा जो इसमें सर्विस कितनी फ्री मिली आपको शुरू शुरू में जो मिलती है? इसमें 3 सर्विस फ्री मिली थी मेरे को, तो उसमें अगर लेबर कॉस्ट आए तब क्या बिल आता था? तो क्या बिल, वो मेरे को ध्यान नहीं भाई, काफी पुरानी बात होगी, लेकिन ये है कि 10-15,000 से नीचे का कोई बिल नहीं आया। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप लगा देना यहाँ पे वीडियो के साइड में, उसमें आपकी सारी कॉस्टिंग दिख जाएगी हर सर्विस। तो मतलब भाई शुरुआत से 10-15,000 का बिल आया ही है 10 से नीचे का नहीं आया? नहीं कभी नहीं आया। तो भाई इससे बढ़िया तो फिर जैसे मैंने महिंद्रा की स्कॉर्पियो ली, इसकी पहली भी सर्विस और दूसरी भी सर्विस, मतलब 3 सर्विस, 1,000 वाली में तो कुछ होता नहीं, तो 20,000 तक फ्री, 20,000 वाली भी करा ली मैंने, तो उसमें तो लेबर चार्ज नहीं लगा, 3400 से 3600 कॉस्ट चाहिए, तो मतलब फिर महिंद्रा सस्ती हुई सर्विस के मामले में टोयोटा से। बॉडी शॉप कह रहा हूँ इसकी, टोयोटा की सर्विसिंग अच्छी है लेकिन बॉडी शॉप अच्छी नहीं है। एक बारी बाहर आओ भाई, गाड़ी स्टार्ट ही रहने दो, एक बारी बाहर आओ। तो
देखो भाई आपको बताते हैं कि बाइक की गाड़ी लग गई थी भाई, बॉडी शॉप जो है ना, बॉडी शॉप अच्छी नहीं है इनकी। अब आप ये देखो, ये टोयोटा का पेंटेड बम्पर है, बंदा देख के बता दे कितना फर्क है भाई। वो कैमरा में तो जस्टिस नहीं कर पाओगे यार, अभी देखो ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, ये देखो कितना फर्क पता चल रहा है। ये देखो ना, ये देखो, अब बताओ, ये देखो, ये थोड़ा कलर अलग है और ये अलग है सामने से, मतलब बिल्कुल पता लग रहा है। यहाँ से ये लाइट लग रहा है, डार्क ज्यादा लग रहा है। ये पेंटेड है, मतलब ये टोयोटा ने करा है, बाहर से कुछ नहीं कराया, ये ओरिजिनल कलर है। और आज तक सेट नहीं कर पाए इसको, ये आज तक सेट नहीं हो पाया। ये देखो भाई, पेज भाई ने लगवाया भाई। हाँ, ये देखो, ये सब प्ले है इसमें। ये देखो, बॉडी शॉप अच्छी नहीं है टोयोटा की, गाड़ी लग गई थी। ये लोगो ही टेढ़ा लगा रखा है, ध्यान से देखो, हल्का सा इधर है ये लोगो, पीछे से देखना दिख रहा है ना, ये देखो। हाँ, ये तो लोगो ही टेढ़ा है, ये तो मैंने भी पहली बार नोटिस किया। हाँ, ये नहीं कर पाते यार ये ना। ये देखो, ये ऐसा काम करा है इन्होंने, ये देखो, ये उनका नट लगाया हुआ है। ये देखो भाई, ये पेज जो है ना टोयोटा का लगाया हुआ है, भाई ने नहीं लगवाया नट, देख लो भाई। छुट्टन साहब के चुराहे, छुट्टन साहब के चुराहे पे नट। भाई देखो, कॉमेडी भी चलती रहती है। थोड़ा पीछे भी बैठ के दिखाता हूँ आपको, देखो आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है थोड़ी गाड़ी। देखो यहाँ से अनलॉक हो जाती है, पीछे बैठते हैं जरा, थोड़ी कैप्टन सीट वाली फील ले लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ क्या कहते हो? लो जी, बैठो जी, आओ। तो भाई देखो, अब आज मैं पीछे बैठते हो ना, तो भाई देखो, राजा वाली फील के साथ तो जाओ पूरा पूरा। देखो भाई, इसमें मैं तो इसको लॉन्गेस्ट अभी तक मेरे ख्याल से फरीदाबाद ही ले गया था, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलाया। पर भाई जो फील आ रही थी ना, मतलब कि बॉडी ऑन फ्रेम कार है, MPV है, मतलब हैंडलिंग इसकी बढ़िया है, हाइड्रोलिक स्टेयरिंग के बावजूद भी इसकी हैंडलिंग अच्छी है, गाड़ी स्टेबल रहती है, उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसको आप ट्रैफिक में चलाते तो थोड़ी बहुत कमी होती है। और पीछे देखो, रियर एसी मिल जाते हैं आपको। भाई सबसे बढ़िया चीज़ ना मुझे इनोवा की ये लगती है, जो अपनी स्कॉर्पियो में मिस करता हूँ, अगर मैं स्कॉर्पियो से कंपेयर करूँ, क्योंकि भाई है ना, इसमें है नहीं, इसलिए नीचे दे दिए उसकी। सही बात है भाई, अगर सनरूफ नहीं भी है ना तो ठीक है, सनरूफ का इतना काम भी नहीं आता। आपके पास सनरूफ वाली गाड़ी कहाँ यूज़ करते हो? नहीं होती, यूज़ ही नहीं होती। तो भाई पॉजिटिव तो होगा, थोड़ा नेगेटिव बताओ यार इसका, क्योंकि पॉजिटिव में तो पॉजिटिव जो है ना, इनोवा भर भर के पड़े हैं, भर भर के हर कोई यही कहेगा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई सोचता नहीं। सिर्फ ओनर ही बता पाएगा। बताओ जी भाई, पॉजिटिव बताऊं? नेगेटिव भाई, सबसे ज्यादा तो इसका ये मैंने आपको सर्विस कॉस्ट बता दी कि सर्विस कॉस्ट इसकी महंगी पड़ती है, ये मिथ है कि सर्विस कॉस्ट कम है। बाकी जो थोड़ी सी गाड़ी की फिट एंड फिनिश है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी ऐसी लगती है कि थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है। ये सनग्लास होल्डर है, ये नीचे आ जाना चाहिए था शुरुआत से ही, ऐसा ही है। अब मैं इसको ऐसे नीचे करूंगा तो ये आ गया, ठीक है। इसमें सनग्लास का वेट होता है ना, ये जब भी नीचे नहीं आता, अभी तो खैर खाली है। तो ये देखो, लो भाई, ये देखो, देख सकते हो आप। तो ये चीज है, मेरे को थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज लगती है। बाकी ये सीट कवर देखो, ये टोयोटा ने चढ़ा के दिए थे, ये टॉप मॉडल में ऐसे आते हैं ऑरेंज कलर के, ये देखो। अब ये कैसे से हैं, देखो इनकी कोई फिनिशिंग नहीं है, टेढ़े से हैं थोड़े से, फिनिशिंग नहीं है, नहीं है इनमें। ये देखो धागा निकल, खैर 4 साल भी हो गए लेकिन ये पहले दिन से ही ऐसे हैं। अच्छा, पीछे मैं देख रहा हूँ, पीछे मतलब हमारे जैसा बंदा मतलब घुटने टच होके ही बैठेगा, बैठेगा। मैंने आपको बताया कि घुटने टच होके ही बैठेगा। अब जैसे मेरी छोटी बहन है 9 साल की, वो बैठ जाती है, वो तो लेट जाए, बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तो बीच में आगे चलाने वाला और एक उनके साइड में ऐसे बैठ जाओ। लेकिन ये है कि आपको ना पीछे गर्मी लगेगी, ना आपको सफोकेशन होगी, ये चीजें आपको कुछ भी नहीं होगी। देखो आप देखोगे ना, क्वार्टर पैनल भी इसका, मतलब जो ग्लास है क्वार्टर ग्लास, वो भी काफी बड़ा है, और पीछे भी ऐसी मिली जाती है। मतलब मोस्टली भाई इंडिया में 80% लोगों ने जो मतलब गाड़ी में ट्रैवल करा, उन्होंने इनोवा में करा ही करा होगा। चाहे पुरानी वाली हो, चाहे वो ये क्रिस्टा हो। और तो भाई अब एक बात बताओ, जैसे 4 साल हो गए हैं आपको इसको चलाते हुए, तो अब अपग्रेड करने का मन करता है कि लगता है नहीं यार यही रखनी है? अब नहीं, अब करता है भाई अपग्रेड करने का, क्योंकि जैसे दिल्ली में रह रहे हैं NCR में, तो 10 साल का चक्कर है यहाँ पे, तो 10 साल, अच्छा 4 साल हो गए गाड़ी को। तो ये गाड़ी ऐसी है कि आप इसे कितने ही चला लो, ये ऐसी है कि मतलब लाख किलोमीटर पे तो इनका वार्म अप होता है। अभी तो मेरी गाड़ी का वार्म अप भी नहीं हुआ होगा, आज भी 80,000 पे ऐसी चलती है जैसे कि 80 किलोमीटर पे चलती थी। इतनी शानदार, इतनी बढ़िया, इतनी मतलब परफॉर्मेंस वाइज हर चीज़ में, क्योंकि भाई मैंने मेंटेन करा, मुझे प्यार है। मैंने मतलब लेट भी हो जाता था ना, मान लो 80 की सर्विस मैंने 82 कुछ पे कराई थी, तो मेरे को ये हो जाता था, मैंने कहा यार
पापा सर्विस नहीं हुई गाड़ी की, क्या चक्कर है, जल्दी से सर्विस करा लेते हैं, टाइम निकालो, ज्यादा उन्हीं के पास रहती है। अंकल तो कहते थे भाई टाइम नहीं मिलता था, ज्यादातर उन्हीं के पास रहती है, वो यूज करते हैं इसको, उनको इसके अलावा कोई पसंद भी नहीं है। हाँ यही तो मैंने देखी है, अंकल को यही पसंद आती है, जब से वर्ट आई ऑटोमेटिक का सुख तो मिला, मिला लेकिन वो प्रेफर इसी को करते हैं। और जैसे आपके पास चार गाड़ियां हैं, चारों में से आपकी फेवरेट भी कहीं ना कहीं यही लगती है? मेरे को इनोवा पसंद है सबसे ज्यादा, क्योंकि इस गाड़ी में मुझे सब मिल जाता है, मुझे भगानी हो तो मैं भगाने का सुख ले लेता हूँ, मुझे कंफर्टेबल का सुख मिल जाता है, मुझे ये सुख मिल जाता है कि एवरेज भी ठीक ठाक ही है, डीजल के हिसाब से 13 की एवरेज बुरी नहीं है यार। हाँ भाई 13.5-14 की आपको दे देती है तो क्या बुरी है, और हाईवे की है। खैर ये मैं कल आनंद विहार से आया था रात को, तो 50-60-70 जैसे लॉन्ग आपने ट्रिप करी थी लद्दाख तक, तो उसमें क्या एवरेज दी थी आप? 14 की दे पहाड़ों पे भी। हाँ तो भाई देख लो भाई, इतनी तो भाई देख लो भाई, और कोई गाड़ी देती है नहीं देती मुझे बता दो। मेरी गाड़ी तो फिलहाल तो 9.5-10 का दे रही है सिटी में, वो तो खैर एन तो नहीं देती, वो मेरे को ऑटोमेटिक भी है ना, वो क्लासिक भी नहीं देती एवरेज तो। अच्छा तो अगर क्लासिक जैसे आपने ली इसके बाद, तो क्लासिक में और इसमें क्या फर्क लग रहा है? क्लासिक में थोड़ा सा रुतबा ज्यादा है, थोड़ा सा रोड प्रेजेंस अच्छी है उस गाड़ी की, डिपर विपर मारो साइड जल्दी मिल जाती है, स्कॉर्पियो नाम से ही साइड मिल जाती है। बाकी ये है कि अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर कंफर्ट की बात करूं, तो वो क्लासिक में इनोवा का कंपटीशन नहीं है। अच्छा आपने नई वाली हाई क्रॉस चलाई है? नहीं चलाई। हाई क्रॉस जैसे देखी आपने, अंदर बैठ के भी देखा है आपने, तो उसमें और इसमें क्या मतलब लग रहा है कि हाँ अपग्रेड करने का फायदा है? नहीं नहीं, इसके बाद तो फॉर्च्यूनर ही करो, वो ज्यादा ठीक है। अच्छा इसके बीच की कोई गाड़ी बचती नहीं, मतलब लेडर रूम फ्रेम ही चाहिए। हाँ तो भाई जैसे सस्पेंशन तो इसका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पर फिर भी लेडर रूम फ्रेम में कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि जितनी मैंने भी चलाई आपकी गाड़ी। हाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका सस्पेंशन बेटर हो सकता था, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी है ना टायर गाड़ी के हिसाब से बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होने नहीं चाहिए। अगर टॉप मॉडल की भी बात करूँ, इसमें 16 इंची, उसमें 17 इंची आते हैं, और मैंने टायर वही डलवा रखे हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं, बस मेरे अलॉय 16 इंची का है, वो भी मेरा प्लान था लेकिन मैंने करे नहीं, मैंने कहा क्या फायदा छोड़ो, तो मैंने अलॉय वही रखे, 16 इंची के टायर हैं, और प्रोफाइल जो है उसकी वो जेड वाली है, जो जेड में आती है या 2.8 में आती है। तो भाई जैसे आपने 80,000 चलाई, तो इसमें टायर कितनी बार चेंज कराए हैं? भाई पहला सेट बदला था 20-25 पे। इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्योंकि भाई उस दौरान बहुत कारनामे करते थे हम ना। अच्छा टग ऑफ वॉर कर दिया करते, बिल्कुल मतलब बहुत चीजें करी उस दौरान, तो गाड़ी को बहुत रगड़ा है। दूसरा सेट बदला 40 पे, तीसरा 80 पे, मतलब आपने 80,000 में 3 बार टायर बदलवा लिए, तीसरे टायर है ये। और कई मेरे जैसे लोग हैं 90,000 तक एक ही सेट चलाते रहते हैं, मेरा स्विफ्ट में एक ही सेट चल रहा है वो तो 72-73,000 चल गई है। हाँ 73 देख लो भाई। तो भाई अब जो आपने 80 टायर डलवाए, मैं दिखा भी देता हूँ और आगे आ जाते हैं हम भी। तो भाई ये देखो, अब भाई ने डलवाए 80 टायर इसमें, तो भाई और ये देख लो मॉडिफिकेशन भी छोटी मोटी कराई हुई है, साइड में जो स्टॉप प्लेट है एलईडी वाली लगवाई हुई है, तो मतलब और गाड़ी जो आप देखोगे ना, आप ये नहीं लगेगा यार 4 साल पुरानी, इतनी मेंटेन करके रखी हुई है, सब ओरिजिनल पेंट है, अगर खाली इस वाले बम्पर को छोड़ दो वो भी भाई देखो 4 साल हो गए, एक बार तो लगेगी ही गाड़ी, कोई जितनी बचाने की कोशिश कर ले लगेगी ही लगेगी। तो भाई एक बार आपने बताया था इसकी टायर भी फट गया था, ये वाला डीजल की टंकी के नीचे वाला, ये वाला टायर फट गया था। फट गया था टायर? अपोलो का टायर था वो, जो कंपनी ने दिया था वही टायर था। शुरू शुरू की बात है, जयपुर जा रहे थे हम लोग, गाड़ी क्रूज कर रही होगी 120-125 पे, तो मैं यहाँ था, मेरी मम्मी वहाँ थी, बहन आगे बैठी थी बड़ी, और पापा के फ्रेंड गाड़ी चला रहे थे, बहन पीछे बैठी थी और पापा उनके साइड में बैठे थे, तो 120-125 पे गाड़ी चल रही थी। गाड़ी पता नहीं अचानक ही क्या होता क्या नहीं होता, इधर झुक गई, मतलब इधर डीजल की साइड। अब भाई ऐसी आवाज़ आई एकदम ब्लास्ट की, के मतलब क्या ही हो गया उस दिन, तो बस यूँ लगा लो कि राम जी का आशीर्वाद था जो हम बच गए, वरना पलटनी थी कोई। जब मैं जब शीशे से बाहर मुंह निकाल के देखा ना, अरे मैंने कहा पापा टायर ही नहीं है, ये तो खाली रिम बची है, रिम भी बेंड हो गई थी उसके बाद ये, फिर हमने स्टेपनी वाली लगाई, बेंड आज भी स्टेपनी में है। अच्छा तो स्टेपनी वाला अलॉय आता है? हाँ अलॉय है, सेम। भाई ये तो बढ़िया कॉस्ट कटिंग करी, अब कॉस्ट कटिंग कर देती है, फॉर्च्यूनर में भी रिम देती है, तो भाई भाई को तो सही टाइम पे मिल गई। तो अब जो आपने 80 टायर डलवाया इसमें, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? 80 टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एवरेज पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मेरे को, पहले जो अब 13 की दे रही है पहले 15 की दे देती थी। अच्छा इतना फर्क आ गया? हाँ फर्क 80 टायर से? हाँ 2 किलोमीटर का। चलाने का सुख और गजब का, ऐसी स्टेबल हो गई गाड़ी, इसकी हाई स्पीड भी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, और गड्ढे वड्ढों में तो कुछ मान ही नहीं रही आजकल, पहले तो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे थे, वो कंफर्ट के लिए माने जाते हैं जो थे ना इसमें अपोलो वाले एचटी वाले, अब कंफर्ट थोड़ा सा कम हो गया गाड़ी में, लेकिन ये है कि सुख आ गया गाड़ी, सुख आ गया। तो भाई ये मैं बता दूं, थोड़ा सा रिकमेंड मैंने भी करा था भाई को, जियो लैंड डलवाओ, और इसमें जो है ना टायर प्रोफाइल, अब जो आप देखोगे तो 215, पहले इसमें 205,
तो मैंने भाई हुआ भाई 10 mm चौड़े कराओ तो ड्राइव में फर्क जरूर आएगा। आया बिल्कुल आया, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। भाई अगर किसी ने गाड़ी लेनी हो अपनी फैमिली के लिए तो बेस्ट कार है मैं कह सकता हूँ। आज इन्होंने इसमें से ऑटोमेटिक हटवा दिया है टोयोटा वालों ने, पर अगर किसी को मैनुअल लेनी हो आज भी ले सकता है। आप एक एन चला रहे हो ये खड़ी आपकी? मैं इससे पहले यही लेने वाला था, लेने वाले थे पर 2.8Z वाली बंद हो गई थी ना तो इसलिए मैंने फिर उस पे चले गया। आपकी एन में भी डिग्गी में इतना स्पेस नहीं बचता होगा जितना सीट के बाद इसमें बच रहा है। ये देखो भाई ये डलवाया भाई ने 5W40 शेल का, ये रिकमेंड है भाई यहाँ से फरारी से। ये देख लो इनका टेक्निकल पार्टनर फरारी है, BS6 4 पेट्रोल इंजन, ये डीजल में भी डलता है। डीजल फर्क पड़ा, अरे मजा आ गया, 7.5 लीटर ऑयल डलता है इसमें, 200 कुछ लीटर का। तो भाई काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है भाई, पूरी फैमिली कार है ये, और सीट फोल्ड कर दो फिर तो स्पेस ही स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है, कितने कर लो बाहर कोई कार परफेक्ट नहीं नहीं होती भाई। यही था भाई का कुछ रिव्यू, भाई फुल सेटिस्फाई है। तो भाई आ जाओ 20-24 लाख रुपये कौन सी लोगे फिर? 20-24 लाख रुपये में मैं कौन सी इस पर दोबारा जाओगे 5 साल चलाने के बाद, या हाई क्रॉस पर जाओगे? नहीं हाई क्रॉस पर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं भाई, थोड़ा बजट बढ़ा के फॉर्च्यूनर लेता। फॉर्च्यूनर लो क्योंकि इसके बाद अपग्रेड फॉर्च्यूनर ही बच जाता है, इसके बाद फिर कोई अपग्रेड बचता नहीं है। अब सफारी तो खैर बहुत ही बेकार कर दी, स्कॉर्पियो कर दी, स्कॉर्पियो मेरे पास है घर में तो स्कॉर्पियो का मैं नाम नहीं लूंगा, वरना मैं एन भी बोल सकता था, मैंने वर्टस के ओनरशिप में एन बोला था अगर आपने देख लिया तो मैं इसी का नाम लेता, फॉर्च्यूनर का नाम लेता, क्योंकि जैसे कहते हैं ना VW जिसने चला ली वो VW ही चलाएगा, ऐसे टोयोटा जिसने चला ली वो टोयोटा ही चलाएगा भाई। ये जो नाम है ना ऐसी नहीं, इंडिया में जो उसने बनाया ना अपना नाम ऐसी नहीं, ऐसी नहीं है। पता है इनकी गाड़ी धड़ाले से बिक रही है, 50-55 की बेच रहे हैं वो लेजेंडर GR स्पोर्ट्स वाली, लेकिन दुनिया खरीद रही है। आप देखो सिर्फ इस नाम की, ये टोयोटा जो है ना इस नाम की बेच सकती है। तो भाई यही था भाई का कुछ ओनरशिप रिव्यू, जैसे समय के साथ साथ गाड़ियों में ये हो जाता है कि आवाज़ ये पहले दिन से और आज के दिन तक भी सेम आवाज़, मतलब ऐसा ही लग रहा कि 80,000 चल गई है या कुछ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करी मेरे हिसाब से। इस जगह पे सिर्फ ये बैटरी के अलावा और ये जो बदले जाते हैं एयर फिल्टर, इनके अलावा कुछ बदला ही नहीं है, बैटरी चेंज हो चुकी है। बैटरी एक बार एक साइड की थी वो बेकार थी फिर बदलवा ली। तो भाई जो टोयोटा का सुना है ना कि इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स इसलिए नहीं देते क्योंकि भाई आपको खोला ही नहीं पड़ता बार बार, ये है बात भाई। खाली बैटरी चेंज करनी हो ना 3 साल में तो वो बदली जाएगी, क्योंकि 4 साल हो गए 3 साल में बदली जाती है बैटरी, सिर्फ बैटरी के लिए और सर्विस के लिए खुलता है स्टोर, नहीं तो और किसी चीज़ के लिए नहीं खुलता। अच्छी लगी तो पता क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को और अपने यज्ञ भाई को, स्पेशल थैंक्स यज्ञ भाई का। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।